नमस्ते। प्रार्थना के बारे में बात हो रही थी, हृदय की बात भाग 23 में आपका स्वागत है। तो तीसरी लाइन के ऊपर हमने कल बात की, समर्पण भाव। एक छोटी सी कहानी मैं बताता हूँ आपको। एक माँ और बेटा एक प्रोविज़न स्टोर, किराना की जो दुकान होती है, वहाँ पे गए कुछ लेने के लिए। माँ ने अपना जो लिस्ट था वो दे दिया। किराना का जो दुकानदार था उसने वो सारी चीज़ें बांध दी। वो जो उसका बेटा था, छोटा, बहुत छोटा था, बहुत ही क्यूट था, प्यारा था, एकदम स्वीट। तो उस दुकानदार को ऐसा लगा कि इतना प्यारा बेटा है, चलो मैं उसको चॉकलेट देता हूँ। तो इसलिए आपको याद होगा, पुराने ज़माने में जो किराना की दुकानें होती थी ना, उसके ऊपर एकदम बाहर वो बरनी रखते थे, बॉटल जिसको कहेंगे, वो बॉटल के अंदर चॉकलेट्स, बिस्किट्स वगैरह ऐसा सब कुछ रखा होता था। तो उसने वो बॉटल एक खोली जिसके अंदर चॉकलेट थी, और वो बच्चे के सामने पकड़ करके बोला कि बेटा, इस बॉटल में से तुम्हारे हाथ से जितनी चाहिए उतनी चॉकलेट्स ले लो। बेटे ने ना बोला। फिर अपनी माता की ओर देखा तो माता ने भी कहा कि हाँ ठीक है, अंकल कह रहे हैं, दुकानदार भैया जो है वो कह रहे हैं, तो आप चॉकलेट ले लो। फिर भी उसने ना बोला, तो ना बोलता ही रहा। तो दुकानदार को तो चाहिए था कि वो चॉकलेट उसको देनी है, तो इसलिए फिर दुकानदार ने कहा ठीक है। उसने खुद ने अपने हाथ से वो बॉटल से चॉकलेट निकाली और उसके हाथ में रखी। तो वो दोनों हाथ फैला करके खड़ा हुआ और उसके हाथ में उसने रखी, और वो दोनों माता और वो बेटा दोनों चले गए। रास्ते पे माता ने पूछा, बेटा वो भैया ने चॉकलेट दी तो तुमने ले ली, तो उसके पहले तुमने खुद ने क्यों नहीं ली, वो कह रहा था बार बार तब। तो बेटे ने कहा कि माँ, मैं तो छोटा हूँ, मेरा हाथ छोटा है, मैं यदि उससे लेता तो उसमें दो चार चॉकलेट्स ही आती, वो दुकानदार भैया ने चॉकलेट्स दी तो देखो कितनी आई, मेरे दोनों हाथ भर गए। समझ गए? उसने उस दुकानदार के ऊपर सब छोड़ दिया तो उसको ज्यादा मिला। हम भी ऐसा ही भगवान के ऊपर छोड़ने की आदत डालते हैं तो हमें ज़्यादा और अच्छा मिलता है। आप ये अनुभव करके देखिए, मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि ये होता है। हम जब भगवान के ऊपर कोई चीज़ छोड़ते हैं तो भगवान हमें उसके हिसाब से देता है। भगवान को मानो हमें एक क्या कहते हैं उसको, पानी देना है तो पानी का बड़ा बड़ा वाला जो जग आता है उसके अंदर मानो पानी देना है हमें, और हम एक छोटा ग्लास लेकर के गए मुझे पानी दो, तो आपको तो कम पानी मिलेगा। भगवान तो जग से पानी देने वाले थे आपको। तो इस प्रकार से ये जो लाइन आखिरी वाली है इसमें यही है कि भगवान के ऊपर समर्पण हम कर देते हैं, सरेंडर हो जाते हैं, और शरणागत भाव से कहते हैं कि आप ही जो कुछ भी करेंगे उस हिसाब से हम ईश्वर प्राप्ति कर सकेंगे। हम हमारी कोशिश करेंगे लेकिन आखिरी में आप जो कहेंगे, आप जो करेंगे वही होगा। तो ये यदि इस प्रकार का समर्पण भाव हमारे पास हो तो जरूर से हम ईश्वर प्राप्ति जल्दी से कर पाएंगे। धन्यवाद।